हेलो एवरीवन दिस इज राजन हियर फ्रॉम एक्यूनिटी सर्विसेज आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका फेसबुक का पेज है और वो पेज पे आप ये चाहते हैं कि आपका व्हाट्सअप का मैसेजिंग का आइकन जो है वो आपके पोस्ट पे आए तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं तो जैसे ही आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक के नए वर्जन में वैसा उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि गेट व्हाट्सएप मैसेजेस तो ये अगर मुझे अनेबल करना है तो सबसे पहले अभी देखिए ये पोस्ट पे ये अनेबल हो गया ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका व्हाट्सअप बिज़नेस अकाउंट लिंक करना पड़ेगा आपके फेसबुक पेज से तो वो करना है तो कैसे करना है पहले वो मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे बैक करता हूँ मैं डिस्कार्ड करता हूँ मैं ये सेटिंग पे क्लिक करूंगा सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बटन है व्हाट्सअप ऐप करके उस पर आप क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप व्हाट्सअप ऐप पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली मेरा एक अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है व्हाट्सअप बिजनेस का तो इसलिए उसने फिर से मुझे पूछा नहीं मतलब कौन से नंबर से आपको लिंक करना है और फिर वो नंबर पर ओ आता है तो अगर मैं इसे डिसकनेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नंबर मुझे पूछेगा कि कौन सा नंबर आपको व्हाट्सअप बिजनेस का लिंक करना है वो नंबर डालने के बाद में ओ मुझे आएगा मेरे व्हाट्सअप बिजनेस नंबर पर वो ओ डालने के बाद में वेरीफिकेशन हो जाएगा और मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर जो है वो ये अकाउंट से लिंक हो जाएगा अभी ये पहले से लिंक है इसलिए मुझे ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपने लिंक नहीं किया है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा तो ये होने के बाद में आप पोस्ट पे चले जाइए पोस्ट पे जाने के बाद में फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पोस्ट करना है आपके पेज पे तो मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से जो तो मुझे करना है पोस्ट तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ और एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया और इसे नेक्स्ट करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावा फैक्ट्स करके जावा फैक्ट्स डाल देता हूँ अब ये डालने के बाद में अगर और भी कैप्शन आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं छोटा ही लिखना चाहता हूँ फिलहाल फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट है उस पर गेट व्हाट्सअप मैसेजेस अनेबल हो जाए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा गेट वाट्सअप मैसेजेस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सअप का आइकन आ गया अब मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करूंगा ये पोस्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा और मेरे फीड पे आ जाएगा मेरे पेज के फीड पे आ जाएगा और यहाँ पे वो बटन भी अनेबल हो जाएगा जिससे अगर कोई भी यूजर देखता है मेरे पोस्ट को तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे क्लिक ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप मैसेज uh, आ जाएंगे तो अगर दूसरा कोई क्लिक करता है तो डायरेक्टली तो आइडेंटिफाई तो भी तो ऑटोमेटिकली मैसेज तो यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आ गया हेलो करके तो ये व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है जिसपे हेलो करके आया क्योंकि मैंने मेरे पर्सनल नंबर से इस पे हाई किया तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप मैसेजिंग यूज कर सकते हैं आपके पोस्ट में जिससे फायदा है ये होता है कि आपके जो क्लाइंट है वो तुरंत आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कंटेंट के ऊपर अगर उनको पूछना है या कुछ डाउट है तो और इससे आपको डेटा मिलने का भी चांसेस बढ़ जाता है तो आपका जो भी क्लाइंट है वो डायरेक्टली आपको मैसेज करेगा तो उनका फोन नंबर भी आपको तुरंत मिल जाएगा तो अगर इस तरह के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए आइकन को दबाए